दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड करा था BCU के बारे में, तो उस वीडियो के कमेंट में और व्हाट्सएप पे मुझे कितने लोगों ने SMS किया था कि सर इसके बारे में सही तरह बताइए, इस वीडियो में हमें समझ में नहीं आया। तो मैं आज उसके बारे में बताऊंगा और ARV सर जो है उन्होंने इसके बारे में क्या कहा था वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है मून और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मून ऑटो वर्क। तो देखिए मैं आपको पहले फोल्ड दिखाता हूँ। देखो जैसे ही मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ तो इसका हॉर्न अपने आप बजने लगता है और इंडिकेटर भी इसका खुद ही जल रहा है, देख सकते हो आप। फिर भी इसका हॉर्न बंद नहीं होता इसको निकालने के बाद भी, एक हाथ से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। देखो मैंने इसको निकाल दिया लेकिन फिर भी इसका हॉर्न बज रहा है, देख सकते हो। ये इसका स्विच निकला हुआ है लेकिन फिर भी इसका ऑन बज रहा है और इंडिकेटर भी लॉक ऑन करने के बाद चालू हो रहे हैं खुद ही। तो देखिए मैं पहले आपको थोड़ा सा लिख के समझा देता हूँ, फिर आप वीडियो में देखकर समझ जाना। ये है BCU जो पल्सर के वायर में लगा रहता है। तो इसमें एक साइड से जो वायर होती हैं वो इनपुट होती हैं ये वाली, और एक साइड से आउटपुट होती हैं आउटपुट और इधर से इनपुट। तो जैसे ही हम चाबी वाला लॉक जो होता है उसको ऑन करते हैं तो इनमें से एक वायर इनमें से पॉजिटिव होती है और एक निगेटिव होती है। तो निगेटिव भी BCU में चला जाता है और पॉजिटिव भी चाबी वाला लॉक ऑन करने पर BCU में चला जाता है। तो इसमें निगेटिव भी चला गया और पॉजिटिव भी चला गया। दोनों जाने के बाद अभी हैं हमारे सेल्फ का बटन होता है जिसमें वो लाइट वाला बटन होता है, यानी सिंपल भाषा में अगर हम कहें मुट्ठे, जिसे हम मुट्ठा बोलते हैं वो। और ये इधर हॉर्न वाला बटन, इंडिकेटर वाला बटन, पासिंग वाला बटन जो होता है वो है। तो ये तार निकल के एक साइड से आउटपुट होकर BCU से इन में जाती है। तो BCU करता क्या है, जब इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है वो इन मुट्ठों में स्विच में इन बटनों में पॉजिटिव तो भेज देता है लेकिन निगेटिव अर्थ नहीं भेजता, जिसके कारण ये सभी चीज़ें डायरेक्ट हो जाती हैं। तो हमें इसका सॉल्यूशन करना कैसे है, इस साइड भी और इस साइड भी दोनों आप दोनों साइड में आपको एक काली कलर की तार मिलेगी। उस काली कलर के तार में हमें अर्थ दे देना है, चाहे तो हम काली और पीली तार से काले पर पीली लाइन जो होती है बजाज की गाड़ी मारुति की तार उससे जोड़ सकते हैं इन मुट्ठों में जाने वाली काली तार को, चाहे तो हम उससे जोड़ सकते हैं चाहे बॉडी से जोड़ सकते हैं, यानी कुल मिलाकर इधर भी और इधर भी दोनों साइड में काले वाली तार में अरस दे देना है, बस ये काम करना है। आप समझ गए होंगे, आप वीडियो देख सकते हो और ARV सर जो है मैं उनकी वीडियो भी आपको दिखाऊंगा उन्होंने इस बारे में क्या कहा था। इसका जो BCU है उसमें अर्थिंग जा रहा है यानी निगेटिव जा रहा है उसमें, ये BCU का सर्किट है, इसमें निगेटिव जा रहा है ये देख सकते हो आप। ये पीले पे सॉरी काले पे पीली लाइन ये BCU में जा रही है हमारी तार। तो BCU में इसके निगेटिव अर्थिंग जा तो रहा है, देखिए यहाँ पे जो इसका BCU से आने वाला तार है ये ब्लैक वाला ये वाला, इसमें मैंने एक तार जोड़ के ये ब्लैक तार है इसमें ये BCU से स्विच में जाती है इधर, और वहाँ से निकल के मतलब BCU से इधर भी जाती है। मतलब यहाँ पे अगर हम इस वायर में कुछ काम करेंगे तो यहाँ से अर्थ देने के बाद इधर भी चला जाएगा और इस स्विच में भी चला जाएगा। और इसकी जो सेल्फ की रिले है उसके भी मैंने वायर निकाली हुई है लेकिन इसका वो मतलब सेल्फ भी खुद ही चल रहा था, लाइट तो इसकी स्टार्टिंग पर जलती है। तो मैंने इसका ये तार यहाँ पे जोड़ा हुआ था तो मैंने दूसरा फिर इसको कहाँ पे लगाना है, इसको हमें क्या करना है अर्थिंग दे देना है। देखिए जैसे ये इंडिकेटर की वायर है दो, ये सिल्वर और ये एक
काले पे पीली लाइन, बस सिंपल सा कुछ नहीं करना। अगर ये प्रॉब्लम है स्विच की जो ब्लैक वायर है उसको और इसको आपस में जोड़ देना है। मैं वीडियो कट नहीं करूँगा, आपको जोड़ के दिखाता हूँ। और कहीं से कुछ नहीं चेक करना है। मैं इसमें बहुत परेशान हुआ था जब ये प्रॉब्लम मेरे पास पहली बार आया था तो, लेकिन मैंने इसको, आप परेशान ना हो इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉल्ट बताया है। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं इसको लगा लेता हूँ। ये देखो मैंने इधर लगा दिया इसको और अब इधर अर्थिंग में। चाहे तो हम इसको कहीं इधर एक वायर लगा के बॉडी से भी अर्थिंग दे सकते हैं, और नहीं तो फिर किसी जो हमारे बजाज की गाड़ी में पीले पे काली लाइन होती है वहाँ से भी हम इसको अर्थिंग दे सकते हैं। पहले मैं आपको एक बार दिखा दूँ, देखो इधर ये मैंने ये वायर जोड़ी हुई है और अभी जैसे लॉक ऑन हुआ और ये बजने लगा, जैसे देखो। अब मैं इसको एक बार लगा देता हूँ, फिर मैं आपको स्विच से हॉर्न बजा के दिखाऊंगा। अभी ये देख सकते हो वायर जोड़ दी और लॉक ऑन है। अब मैं पहले इधर से स्विच के तार लगा लेता हूँ, इसको लगा के। मैं वीडियो कट नहीं कर रहा ताकि आप समझो कि फिर कुछ और फॉल्ट होगा। ये देखो ये होता क्या है, ये जो हमारे पल्सर में स्विच आते हैं ये मैग्नेटिक टच मतलब मैग्नेटिक होते हैं, इनमें मैग्नेट्स के द्वारा काम होता है। तो जब इसको BCU नेगेटिव वर्किंग देना बंद कर देता है तो ये डायरेक्ट करंट इनमें चलने लगता है, दोनों में ऐसे ही है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और जब हम इसको अर्थिंग दे देते हैं यहाँ से तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, क्योंकि अब डायरेक्ट चला गया है ना अर्थिंग स्विच में, अब BCU से कनेक्शन नहीं रहा तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, मतलब इसको लगाने से यहाँ पे, और प्रॉब्लम ये सोल्व भी हो जाती है। और यहाँ पे हम तार जोड़ देते हैं उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ना इसका इंडिकेटर अपने आप जलेंगे और ना ही हॉर्न बजेगा। देखो सही हो गई, और ये तार निकालता हूँ फिर होने लगता है। ठीक है, आपने BCU चेंज नहीं करना, स्विच चेंज नहीं करना। बहुत सब कन्फ्यूजन में चले जाते हैं कि इसका BCU ख़राब हो गया है और या ये स्विच ख़राब हो गए हैं, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। बस आपने यही करना है जो मैंने बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।